नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इस अवसर पर एनपी प्रजापति पूर्व विधायक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश जालम से पटेल विधायक, अनीता पटेल विधायक एवं संजय शर्मा विधायक भी आयोजन में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में जरूरतमंद और ताकतवर सभी देशों की मदद यदि किसी ने की है तो वहां भारत है। चाहे जरूरतमंद ब्राजील हो या ताकतवर अमेरिका सहित विश्व के 160 देशों को भारत ने इस मुसीबत काल में दवा दी है। उन्होंने श्रीधाम हॉस्पिटल में प्रारंभ होने पर कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गोटेगांव में लोगों के लिए यह एक उपलब्धि है और उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज सुविधाएं यही नगर में ही मिलेगी। इस अवसर पर अस्पताल संचालक मुकेश ने कहा कि महानगरीय चिकित्सा सुविधाएं यही गोटेगांव में कम से कम दामों में विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे गोटेगांव, श्रीधाम हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सोमवार को अपने ग्राहक ग्राम गोटेगांव पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीधाम हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। ऐसी जन सुविधा तहसील केंद्र पर होनी ही चाहिए। हम जिले में अभी तक हमारे पास में गोटेगांव में ऐसा स्थान नहीं था, इसलिए बिलवार परिवार और उनके जितने भी सहयोगी है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। बस एक मिनट, संकट में चाहे ताकतवर देश हो चाहे जरूरतमंद देश हो, किसी ने दूसरे की मदद नहीं की। अगर किसी ने दुनिया में किसी की मदद की है तो उस देश का नाम सिर्फ भारत और सिर्फ भारत है। हमने जरूरतमंद ब्राजील को भी मदद की है और ताकतवर अमेरिका को भी मदद की है और 160 देशों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं। किस स्थिति में? जब हम स्वयं जरूरतमंद हैं। 133 करोड़ की आबादी, भारत जैसा देश जिसके सामने अभी बड़ी चुनौती बाकी है और उसके बाद भी हम दूसरे लोगों को मदद करने के लिए तत्पर हैं,